अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं मोहम्मद अरसलान। आज मैं हाज़िर हूँ एक स्पेशल एपिसोड के साथ, और वो एपिसोड स्पेशल इसलिए है कि हम इस्लामाबाद से लाहौर के लिए हम ट्रैवल करने जा रहे हैं। लाहौर का दौरा करेंगे और लाहौर में हम कुछ मकामात का वीलॉग बनाएंगे, मुख्तलिफ मकामात पे जाएंगे, उनकी वीडियो बनाएंगे, वीलॉग आपके साथ शेयर करेंगे। दाता दरबार जाएंगे, बादशाही मस्जिद जाएंगे और दीगर मकामात पे जाएंगे, और एक बड़ा इवेंट लाहौर में होने जा रहा है। वो इवेंट ये है कि आजकल पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल रहा है इंपोर्टेड गवर्नमेंट ना मंजूर का, बल्कि पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं, ये एक ट्रेंड चल रहा है इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर का। तो जैसे हमने पिशावर और कराची के तहरीक इंसाफ के हमने जलसे देखे, एक बड़ी तादाद में लोग जलसों की तरफ उन्होंने रुख किया, और उन जलसों के अलावा भी दीगर शहरों में भी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे लाहौर में कि आखिर क्या वजह के शहरी इमरान खान से इतना प्यार मोहब्बत क्यों करते हैं, उनसे हम वजह जानने की कोशिश करेंगे। लाहौर में लोग अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, बुज़ुर्ग, हमने सोशल मीडिया पर भी देखा व्हील चेयर्स पर लोग इमरान खान के जलसों में आ रहे होते हैं। तो आखिर इस मोहब्बत वलवले, इस प्यार की क्या वजह है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में रमज़ान के बावजूद इमरान खान से इज़हारे यकजहती के लिए आ रहे हैं। तो हम लाहौर में ये लोगों से वजह जानने की कोशिश करेंगे, और दीगर भी आपको वहाँ के मनाजर हम बताते रहेंगे। हमारे साथ रहिए जी। नाजरीन, फाइनली हम लाहौर पहुँच गए हैं जिस मकसद के लिए हम आए थे यहाँ पे। अब हम आगे मीनार पाकिस्तान जाएंगे। फाइनली मैं मीनार पाकिस्तान पहुँच गया हूँ, जहाँ पर आज तहरीक इंसाफ का जलसा है, जो पेशावर कराची के बाद तीसरा जलसा लाहौर में होने जा रहा है आज के दिन। जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद इंडिया, जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद। ये नाज़रीन, इस टाइम दिन के 3 बजे इस टाइम यहाँ पर लोग मौजूद हैं रोज़े की हालत में, और बड़ी शदीद गर्मी है इस टाइम लाहौर के अंदर। मेरा भी रोज़ा, और मेरा इस टाइम गला बिल्कुल खुश्क हो गया, और मेरा दिल कह रहा है बस मैं किसी तरह पर ये रोज़ा तोड़ दूं, या किसी तरह ये टाइम पूरा हो जाए रोज़े का। तो बहरहाल हम मीनार पाकिस्तान पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर अभी से ही फैमिलीज़ भी आना शुरू हो गई, और बाकी जो पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो तो मौजूद हैं यहाँ पर। अभी ग्राउंड के गेट्स ओपन नहीं हुए हैं, लोग बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। अभी दिन के 3 बजे का टाइम है, मैं मौजूद हूँ लाहौर में मीनार पाकिस्तान के बाहर। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोग इस टाइम नारेबाजी भी कर रहे हैं। जिन्ना चेर खलड़ी चाने उतली चोटी से जाके भी मेरा लीडर एक रहेगा, ये उतली चोटी से जाके भी ना अमरीका दे अगे झुकेगा, ना इंडिया दे अगे झुकेगा, झुक के गल करेगा, ना अपनी आवाम नूं झुकर देगा। खुदा दी कसम है, इहदे वर्गा मां घर घर लीडर नहीं जमण गियां, इहदे वर्गा मां घर घर लीडर नहीं जमण गियां। समझ आई है? ये जड़े ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन्हां लो ते अद्धा पाकिस्तान भी इंडिया ते अमरीका वड के लै जे, ये खुदा की कसम यह गल नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हों दियाँ उत्थे मिलां ने, इन्हों दियाँ चीज़ां ने, ये गल कर सकते हैं। गल कर सकता तो मेरा लीडर कर सकता है, उतली चोटी दे चमके ते जाके कर सकता। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ ये आज़ादी इंटरचेंज, जो मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल साथ एक मेन ये हाईवे है। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कंटेनर्स लगे हुए हैं,
ये रास्ता जाता है आगे मीनारे पाकिस्तान, जो जलसा का है, जो तहरीक इंसाफ यहाँ पर अपना तीसरा जलसा जो मीनारे पाकिस्तान में करने जा रही है। अब हुकूमत की बौखलाहट का नतीजा आप देखें कि हुकूमत ने ये कंटेनर्स लगा के ये रास्ते बंद कर दिए, हालांकि एक पॉलिटिकल पार्टी अपना जलसा किसी भी टाइम अपना जलसा रख सकती है किसी भी मुकाम पर, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि हम पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी पर हम इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन बज़ाहिर ये हमारे मुल्क में होता है कि अब ये नून लीग की हुकूमत जो है उसका वाज़ह बौखलाहट का नतीजा है कि ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इन्होंने कंटेनर लगा कर ये रास्ता बंद कर दिया है ताकि काफ़िले आगे जलसा गाह तक ना पहुँच सके। ये एक तरफ से है, ये एक तरफ से है, दूसरी तरफ से भी जो इस रोड पे एंट्रेंस है जो जलसा गाह की तरफ रोड जाती है, दूसरी तरफ से भी इन्होंने कंटेनर रख के बंद कर दिए, ठीक है। तो ये एक हुकूमत है जो कि सारा एक अपोजिशन जो चोर डाकू अपोजिशन थी हमारे मुल्क में, अगर कोई गरीब आदमी ज़मानत पर रिहा हो तो वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे शहबाज शरीफ, मैं सिर्फ शहबाज शरीफ की बात करूँगा, बाकी का बिना छोड़ दें, हैं तो सारे ज़मानत पर रहा हुए हैं, सिर्फ शहबाज शरीफ पे 40 अरब रुपए करप्शन के केसेस हैं, ठीक है, जो वो जवाब नहीं दे रहा। और जिस दिन शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना था उस दिन शहबाज शरीफ पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उन करप्शन केसेस की, वो फ़र्द जुर्म अब तक नहीं आयद हो सकी है। तो इस मुल्क का ये हाल है कि बड़े चोर डाकू यहाँ पर वज़ीर आज़म बन सकते हैं, लेकिन एक जो आम ज़मानत पे रहा होता है आम शहरी, वो एक सरकारी नौकरी तक नहीं कर सकता। तो इस मुल्क का ये हाल है बदकिस्मती से। अब हम कोशिश करेंगे कि जलसा गाह के अंदर जाएं, तो इसके बाद अंदर का हम थोड़ा जायज़ा लेंगे, कितने लोग हैं, कुछ लोगों से इंटरव्यू भी करेंगे। जी नाज़रीन, मैं अब जलसा गाह के अंदर एंटर हो गया। आप ये मेरे पीछे ये तहरीक इंसाफ का बोर्ड लगा हुआ है ये देख रहे होंगे, बिल्कुल इसके साथ एक दरवाज़ा है, यहाँ से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है आज जलसा गाह के लिए इस रास्ते से आएंगे। मैं आपको आगे भी दिखाता जाऊँगा, इमरान खान यहाँ से होते हुए आगे स्टेज तक जाएंगे। हिम्मत है तो आए कोई मुझको समझाए कोई।
नेक्स्ट एक बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।